तो स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल कोड रेड में। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रक्षाबंधन के ट्रेलर की, जो कि आ चुका है। और रक्षाबंधन में जो लीड एक्टर है, मैं आपको बता दूं, अक्षय कुमार हैं, जिनकी पिछली दो मूवी इस साल आई है, सम्राट पृथ्वीराज और बच्चन पांडे, जो कि फ्लॉप रही है। तो इस मूवी में उन्हें अच्छा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें नहीं किया तो फ्लॉप की हैट्रिक हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं ट्रेलर की। ट्रेलर में हमें अक्षय कुमार के साथ साथ और भी लोग दिखे हैं। भूमि पेडनेकर दिखी हैं, अक्षय कुमार की चार बहनें दिखी हैं, और बेसिकली मूवी का नाम भी रक्षाबंधन है। और जब ट्रेलर शुरू होता है तो लिख के आता है, समटाइम्स बींग अ ब्रदर इज बेटर देन बींग अ सुपर हीरो। तो इससे पता चलता है जो मूवी है वो भाई बहन की कहानी है। और ट्रेलर में जैसे कि हम देख पाते हैं, अक्षय कुमार हैं और उनकी चार बहनें हैं। अक्षय कुमार को मतलब अपनी चार बहनों की शादी करनी है, तभी वो अपनी शादी कर पाएंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि जब तक मैं अपनी चार बहनों की शादी नहीं करूंगा, अपनी शादी नहीं करूंगा। तो अगर आप ट्रेलर में देखें तो ट्रेलर जैसे ही शुरू होता तो भूमि पेडनेकर बोलती है, बचपन से मैं इंतजार कर रही हूँ शादी करने का, मतलब तेरा बारात लेके आने का मेरे घर, बट तू लाता नहीं। तो कहता है लाऊंगा, लेकिन पहले मैं अपनी चार बहनों की शादी करूंगा। तो बेसिकली ट्रेलर से यही पता चलता है कि मूवी मुझे सिंपल ही लग रही है, ज्यादा कुछ खास नहीं लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा कि ट्रेलर देख के मुझे लगा। बट अगर मतलब अगर आप ट्रेलर में देखेंगे तो एक जगह पे ऐसे आता, थोड़ा इमोशनल सीन्स भी हैं और इमोशंस भी हैं। लेकिन इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं आनंद एल राय। आनंद एल राय जो है मतलब इमोशंस में मैजिक डालने में मतलब नंबर वन है। अगर आप देखें तो उन्हें तनु वेड्स मनु में, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, या फिर रांझना आप देखिए, सिंपल मूवी थी बट उसमें जो इमोशंस थे जैसे मतलब लाजवाब। या फिर अगर आप 96 देखें, वो आनंद एल राय की नहीं थी लेकिन वो भी एक सिंपल मूवी थी। तो लेकिन उसमें देखिए आप इमोशंस, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, 5 out of 5 stars। तो रक्षाबंधन की बात करें तो ये भी ऐसे ही सिंपल मूवी लग रही है। अगर इसे हिट होना या फिर अच्छे होना है तो इसमें भी इमोशंस के मतलब जो मैजिक डाला था इमोशंस में, वो आनंद एल राय को इसमें डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो फिर ये अतरंगी रे जो लास्ट ईयर दिसंबर में आई थी, ये वैसी ही मूवी ही रह जाएगी। और रक्षाबंधन में बेसिकली एक अगर आप देखेंगे ट्रेलर में तो एक सोशल टॉपिक पे भी इन्होंने मतलब सोशल टॉपिक इशू उठाया है, वो है डाउरी का, जहां पे अक्षय कुमार जाते हैं और मतलब 20 लाख एक बहन की शादी के लिए लग रहे होते हैं, समझ रहे हैं। यानी जाहिर सी बात है, सिर्फ खाने पीने के लिए तो इतने लगेंगे नहीं, यानी उसमें डाउरी भी है। और उन्होंने उसमें बोला भी है कि मतलब हर भाई और हर बाप मतलब अपनी एक बहन और अपनी एक बेटी की शादी करना चाहता है, लेकिन दहेज से दहेज नहीं दे पा रहा है क्योंकि लोग गरीब है। तो अगर मूवी में इसको भी थोड़ा अच्छे से दिखाया होगा कि डाउरी रोकना है, या फिर जो भी मतलब डाउरी से लेके अगर कुछ सोशल टॉपिक अच्छे से मतलब इसका आप बताया होगा कैसे क्या करना है, तो मूवी हिट हो सकती है। बाकी मुझे तो ऐसे अभी मूवी देख करके नहीं लग रहा है कि मूवी कुछ खास है। बाकी अगर बात करें मूवी की रिलीज डेट की, तो वो है 11 अगस्त और जो कि रक्षाबंधन पड़ रहा है, तो ऐसे अवसर पे, और ये भाई बहन वाली मूवी है तो ऑडियंस को अपने तरफ खींच सकती है। लेकिन 11 अगस्त को एक और मूवी आ रही है जो कि और बड़े सुपरस्टार मैं कह सकता हूँ आमिर खान की है, और वो है लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा बेसिकली आप जान, अगर आपको नहीं पता तो ये मूवी आमिर खान को बनाने में 14 साल लग गए, और आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। और उनकी लास्ट मूवी जो आई थी वो थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जब जो कि फ्लॉप रही थी। तो इस मूवी में उन्हें अच्छा करना ही होगा। और उन्होंने मतलब जब आमिर, अगर आप अक्षय की देखें तो इनकी भी लास्ट दो मूवी फ्लॉप है और आमिर की भी दो मूवी फ्लॉप है, आमिर की एक मूवी फ्लॉप है सॉरी। तो अभी देखते हैं 11 अगस्त को किसका सिक्का चलता है, रक्षाबंधन का या फिर लाल सिंह चड्ढा का, या फिर दोनों ही फ्लॉप हो जाती हैं। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमने देखा है रनवे और हीरोपंती 2 ईद में आई थी और दोनों ही फ्लॉप हो गई थी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं रक्षाबंधन का ट्रेलर अगर आप देखें तो एक तरह से सिंपल है, उतना आउटस्टैंडिंग नहीं, उतना बेकार नहीं, एवरेज ट्रेलर है। बट लाल सिंह चड्ढा मुझे इसमें बाजी मार से दिख रही है। अगर आपकी कुछ और ओपिनियन है तो आप वो मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।